बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के झांसी में दूसरे दिन जारी रही। सुबह 9 बजे मऊ रानीपुर के ग्रामोदय में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा शुरू हुई और शास्त्री ने यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय गान हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चारण से की। यात्रा के दौरान मऊ रानीपुर के राम वन होटल के पास एक भीड़ में से किसी ने मोबाइल फेंक कर शास्त्री को निशाना बनाया। मोबाइल उनकी कनपट्टी पर लग गया जिससे उन्हें हल्की चोट आई है। शास्त्री ने तुरंत उस मोबाइल को उठाकर कहा, जिसने भी फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है वह मोबाइल मुझे मिल गया है। यात्रा के दौरान शास्त्री ने एक बार फिर देश की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि ऐसी यात्राएं न हुई तो भारत को गृह युद्ध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 8 से 9 राज्यों में भयंकर गृह युद्ध होगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। देश को गृह युद्ध से बचाना जरूरी है। आज यात्रा का 6ठा दिन है और अब तक शास्त्री ने लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। आज की यात्रा झांसी के घुघसी गांव तक जाएगी जहां रात्रि विश्राम होगा।